तो सबसे पहले हम लोग जो शब्द जो सब शंकाओं का समाधान करते हैं परम पूजनीय गुरु महाराज को नमन करें। हम सब की ये शंकाओं का अंतर ही अंतर में वो हमेशा समाधान करते आए हैं। अध्यात्म में हमारी उन्नति जो है, जहाँ हम अटक जाते हैं, उसका समाधान होने से ही होती है। तो ये तो सिर्फ एक बातचीत का ज़रिया है, असली शंका समाधान तो अंतर में ही होता है। अब हम अपने इस सिलसिले के सभी संतों, परम पूज्य जिया माँ, परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य पंडित जी महाराज, परम पूज्य छोटे भैया, परम पूज्य मंजले भैया और भी जो इस सिलसिले के संत हुए हैं, उन सब का आह्वान करें कि हम सब की शंकाओं का वो समाधान करें। मैं जब भी आया तो समय कम होता है और सवाल ज़्यादा होते, तो इस बार गुरु महाराज की प्रेरणा ये है कि फ़ोन के द्वारा हर संडे को, हर रविवार को आप जहाँ भी हों एक घंटे का समय रहे, और यहाँ वॉलंटियर्स बैठे हैं, वो इसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे फ़ोन किस नंबर पे करना है, कैसे वो प्रश्न करना है, तो वो सिलसिला शुरू करने की गुरु महाराज से प्रार्थना है। तो आज यहाँ फॉर्म्स हैं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो अपना फ़ोन नंबर और प्रश्न उस फॉर्म पे कर दें, तो जो अभी जिन प्रश्नों का जवाब नहीं हो पाएगा तो फ़ोन के द्वारा किया जाएगा। अब ये सबसे पहली तो मेरे हाथ में जो आया कि श्री गुरु महाराज से मेरी विनती है कि मेरे घर में छोटी छोटी बातों में विवाद होता है और तो शांति नहीं मिलती, बड़ा घाटा होता है। श्री गुरु महाराज, शांति मिलनी चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका ध्यान करने पर इधर उधर ध्यान हो जाता है, और गुरु महाराज मुझे आशा है कि आपकी कृपा ज़रूर होती रहेगी। हम सब की यही प्रार्थना है। तो अब शुरू करें। तो पहला प्रश्न, तो ये अजय सिंह जी कानपुर, तो प्रश्न आप बोलना चाहेंगे या मैं पढ़ दूं? तो अजय सिंह जी कहाँ हैं? पढ़ दो। तो जब तक हमारा जीवन रहेगा बुरे और अच्छे कर्म करते रहेंगे, क्या उनका फल भोगना पड़ेगा? मुक्ति का क्या उपाय है? या फिर इन अच्छे बुरे कर्मों को गुरु को अर्पण कर दें, वर्तमान में उपस्थित गुरु का ध्यान करें, या फिर गुरु महाराज या पंडित जी का, आपके परिवेश में ईमानदारी से, आज के परिवेश में ईमानदारी से धन प्राप्त कैसे करें? ये तो तीन तीन प्रश्न हैं, चार हैं एक्चुअली। तो जहाँ तक अपने संस्कार, अपना कर्तापन छोड़ देते हैं कि जो भी कार्य हो वो गुरु की इच्छा से हो, तब हमें उस अच्छे बुरे कर्म का संस्कार नहीं मिले। दूसरा प्रश्न क्या है? तो
अच्छे बुरे कर्मों को गुरु को अर्पण करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोचें कि किया ही गुरु महाराज ने है और ईमानदारी से धन प्राप्ति के लिए ये बताया कि आप है ना दूसरे की राह में कोई रोड़ा नहीं अटकाएं और अपना कार्य जो आपके आदर्श हैं उसके अनुसार करते चलें। जब हम किसी साथ वाले के अफसर के किसी के भी राह में रोड़ा बनते हैं तो हमारी शांति भंग होती है, क्योंकि काम तो हमें उनके अंडर में ही या उनके साथ ही करना पड़ेगा। हाँ, ईमानदारी से काम करना जो है उसके लिए हमें आंतरिक शक्ति की ज़रूरत है और वो हमें सत्संग में मिलती है, क्योंकि जो जिस तरीके से संसार में अधोगति हो रही है, हमारे आसपास सब लोग तरह तरह के काम करते हैं, हम पे भी वो ज़ोर पड़ता है, लेकिन हमारे अंतर में जो प्रकाश है, जो शक्ति है, वो हमें राह दिखलाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें मतलब अपने आप को बदलना है। दुनिया को बदलने के लिए हम उनको थोड़ी प्रेरणा दे सकते हैं, बाकी उनको वो अपनी राह पे चल रहे हैं, हमें अपनी राह चुननी पड़ेगी। तो ये भरत जी जिला समस्तीपुर के ध्यान की क्रिया में आरंभ करते समय सद्गुरु देवा नमः के बाद जिस ईश्वर का आह्वान करना है तो लगातार ईश्वर के नाम से ध्यान हो या सद्गुरु देवा नमः का ध्यान की क्रिया में पहले जो ध्यान था वो आपको जिसके ऊपर श्रद्धा है उसको ध्यान करना चाहिए। तो वो गुरु भी हो सकता है और इष्ट भी हो सकता है, और अब तो परमात्मा का ध्यान करने को बोलते हैं। ये पूनम जी का सवाल है कि जिज्ञासु को कैसे समझ आए कि उसकी ज्ञान की प्यास तीव्र हो रही है या हो गई है, और यदि नहीं है तो प्यास को तीव्र कैसे करें। तो मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि जैसे जगह जगह प्याऊ लगी होती हैं, जब हमें प्यास नहीं होती है तो वो दिखाई नहीं देती है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब हम उसको ढूंढते हैं और किसी न किसी तरीके से वो काम बन भी जाता है। तो इसमें कोई आर्टिफिशियल यानी कोई अपने अंदर से बनाने की चीज़ नहीं है, ये तो अंदर से जब जिज्ञासा उठती है तो ऊपर से फिर उसका जवाब भी आता है। श्रीकांत श्रीवास्तव जी कानपुर। तो अपने यहाँ सजीव गुरु का ध्यान करने को कहा जाता है। यदि किसी ने पुराने समय के महापुरुषों का दर्शन किया हो तो वर्तमान में किसका ध्यान करें। अगर आपके पुराने जो गुरु हैं उनसे आपका संबंध बन ही गया है तो उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। जिसका करते आ रहे हैं उसी का रखें। तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो ये कि कई लोग पूछते हैं कि गुरु कौन है और तो दूसरा तो पंडित जी महाराज ने एक जगह लिखा है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले फिर से पढ़ा कि गुरु दो या तीन नहीं होते, गुरु तो जैसे ईश्वर एक है वैसे गुरु भी एक है।
तो ये हम लोगों की भ्रांति है जो हमारा मन हमको बहकाता रहता है। हम सिर्फ उस शक्ति का, उस परमात्म शक्ति का ही ध्यान करते हैं और वो एक है। अब रही बात ये कि हम किस शरीर से जुड़ के उस तरफ झुके हैं, उसका भी महत्व है, लेकिन वो शरीर गुरु शक्ति नहीं है। तो कभी गुरु को शरीर या स्थूल न समझो, क्योंकि अगर हमने यही कर लिया तो फिर स्थूल से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और ये साधना आंतरिक है, ये हमें ऊपर पहुंचाने के लिए है, स्थूल से कहीं सूक्ष्म और कारण अवस्था में ले जाने के लिए। सर मेरे 10 क्वेश्चंस हैं, वो देख कैन नॉट बी सॉल्व एंड कैन नॉट बी आंसर्ड। तो जिसके आंसर ही नहीं है, मेरे 10 सवाल हैं। हाँ, जो 10 सवाल हैं वो मैंने मोबाइल पे टाइप कर लिए हैं जी, और मैं आपको सबमिट करना चाहता हूँ। वो शंकाएं नहीं है, बल्कि सवाल हैं। ठीक है, तो उसको मैं देना चाहता हूँ। तो ऐसा करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि अगला जो संडे को, अप्रैल में फर्स्ट संडे को जो शंका समाधान फ़ोन पर रहेगा वो आपसे ही शुरू किया जाए। ठीक है सर, मैं आपकी वेबसाइट पर देना चाहता हूँ। इनको बता दीजिए, ये वेबसाइट पर ले लीजिए। ये 10 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से ईमेल है ये। इसको हटा दे, मेरे को तो ये पकड़ा। तो ये धर्मवीर सिद्धू जी मुरादाबाद, रामाश्रम सत्संग में अनुशासन का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। उतना तो समय है नहीं, तो दोबारा फिर इसको लिया जाए। भोजनालय में सेवा करने वाले सत्संगी भाइयों को गुरु महाराज किस प्रकार सहायता करते हैं? अगर कोई साधक अनुशासन तोड़ता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? ये सत्संग है, ये एक आत्म अनुशासन ही है। जैसे यम नियम है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एक आत्म अनुशासन है। तो सत्संग का मतलब ही अनुशासन है। और जहाँ तक सेवा करने वालों के लिए, तो परम पूज्य बड़े भैया ने कहा है कि उनको साधना करने वालों से पहले मुक्ति मिलती है। जो अभी विचार मेरे सवाल पढ़ के आया था, वही तो जो मोहित जी ने बोला, परम पूज्य बड़े भैया ने यहाँ तक कहा कि अक्सर सत्संगी पूछा करते हैं कि यहाँ गुरु की गद्दी, गुरु कौन, इस तरह की बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने साफ किया इसको कि ये सत्संग आत्म संयम, और हम सब के आत्म संयम से ही चलता है। तो संयम में बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति के द्वारा ही यहाँ अनुशासन रहता है। आप देखिए दुनिया भर में कितना चमक धमक है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ हजारों लोग शांति से, एकदम शांत बैठ गए हों, ऐसा कहाँ दिखाई देता है। तो ये चीज़ गुरु महाराज की दी हुई है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस परिवार के, उन्होंने हमें अपने साथ में बांध लिया और अपने परिवार में हमें जगह दी है। और गुरु महाराज ने तो भक्ति और सेवा के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो भोजनालय में
गुरु महाराज के समय से ही ये कहा जाता था कि तुम्हें ध्यान करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो काम कर रहे हो ये सबकी सेवा है। सेवा से तो मतलब कितने दृष्टांत हैं, शबरी से लेकर बहुत और अपने सिख तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए सिर्फ सेवा करके। तो प्रभु दयाल जी गुड़गांव प्रणाम। पहले तो बाबूजी शरीर में थे तो वह चित्त में रहते थे, परंतु अब कभी बड़े भैया, कभी अमित भैया, कभी छोटे भैया आते रहते हैं, एक जगह चित्त नहीं टिक पाता। कृपा करें। आई थिंक हम फिर वही शरीर और स्थूल में अटकने की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। और जिन्होंने गुरु महाराज के संत सिलसिले के हमारे महापुरुषों को देख लिया है एक बार, वो छवि कभी मिटती नहीं है और उनकी कृपा हमेशा हम पर बरसती रहती है। और जहाँ तक मन का सवाल है वो तो कहीं टिकता नहीं, ये प्रॉब्लम तो बनी रहती है। तो उन्हीं से प्रार्थना है कि हम सबको इस मन पे कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी दें। श्रीमान जी, हम इस स्थूल में अटके पड़े हैं इतने दिनों से, हमारे पास दूर दूर तक कोई सत्संग ही नहीं। 15 किलोमीटर दूर ना साप्ताहिक सत्संग मिले हमें ना वैसे, तो इसलिए हम इस स्थूल में अटके पड़े। हम पूज्य पंडित जी के जो बड़े वाले वो हैं उनका ध्यान कर रहे थे, तो अब हमें जो आचार्य जी ने बताया कि तुम्हारा ध्यान ठीक नहीं चल रहा, तो हमारा ध्यान कैसे ठीक हो? अब ये भी बड़ी विचित्र चीज है कि मैं नए सत्संगियों से बात करता हूँ, 5 साल 10 साल पुराने सत्संगियों से बात करता हूँ, 30 साल पुराने सत्संगियों से बात करता हूँ, अक्सर यही सुनने को मिलता है कि हमारा ध्यान ठीक से नहीं चल रहा। तो अब क्या है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए, क्या मेरे को नींद ठीक से आ रही है या नहीं? तो हम जब निद्रा में चले गए तो हमें पता ही नहीं कि हम सो रहे हैं, जब उठेंगे तो फ्रेश हैं तो अच्छी नींद आई, और उठे तो बड़े बेचैन हैं, थकित हैं, तो ठीक से नींद नहीं आई। तो अब देखना ये है कि हमारे जीवन में हमारा व्यवहार सुधर रहा है कि नहीं, हमारा थोड़ा जो मन की चंचलता है वो कम हो रही है या नहीं, एक आंतरिक प्रसन्नता की स्थिति थोड़ी आ रही है या नहीं, तो उससे देखना होगा कि ये ठीक चल रहा है या नहीं। और बाकी तो मन इतना चंचल है कि वो किसी चीज़ को ठीक से चलने नहीं देता है। तो गुरु महाराज से ही प्रार्थना है कि आप कृपा करें। तो इसमें एक बात ये भी है कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या साधना में मन लगाना हमारा लक्ष्य है या हमें आत्मोन्नति करनी है? हाँ, तो ये साधना में मन नहीं लग रहा, ये वो
बड़े भैया तो कहते थे कि भई है ना साधना में मन नहीं लगना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए। चिंतन आपको जिससे भी मोहब्बत है उसका कर सकते हो, सबका बराबर है, सभी एक ही है। आपके सोचने में अंतर है बाकी सब एक ही है। इसमें एक भाई है ना, जब ईश्वर एक है उसके बनाए आदमी भी एक ही है। तो अब ये जिनका प्रश्न है वो तो समझ ही जाएंगे कि बहुत बार बीच बीच में सत्संग के प्रति आस्था एकदम खत्म हो जाती है, लगता है ये सब फालतू चीज़ है, कुछ नहीं है। कई बार तो ये दौर लंबा चलता है और गुरु के प्रति प्रेम भी ऐसा लगता है कि एकदम खत्म हो गया। तो ये हर साधक की कहानी है। अगर तो जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही अध्यात्म में भी, अध्यात्म को भी यात्रा कहा है, तो स्थिति एक सी नहीं रहती। और बड़े बड़े महात्मा और संत लोगों के भी ऐसे समय आते हैं जब उसमें हमारे यहाँ जैसे गुरु महाराज ने हमको पकड़ रखा है प्रेम के धागे से, उसकी बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, श्रद्धा और विश्वास ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे दौर से जब हम गुज़रें तो ये बड़ा मुश्किल समय तो होता ही है, लेकिन इसलिए हमारे यहाँ गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि मेरे को गुरु कहो, पिता, सखा और किसी चाचा, किसी भी तरीके से एक नाता बना लो, तो अगर थोड़ी अश्रद्धा भी है तो भी मिलते जुलते रहो, उसी से ये समय भी निकल जाता है। इसको चंद्रमा की कलाओं से भी समझाया, जैसे हमारी जो साधना है उसमें हम गुरु के प्रकाश से अपने अंतर को प्रकाशित करते हैं, तो ऐसे ही चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो उसमें घटत बढ़त होती रहती है। तो जैसे ही हमारे गुरु से संबंध होगा वैसे ही थोड़ा ऊपर नीचे होता है। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा का गंगा स्नान, कि जब गुरु भी उस समय पूर्ण रूप से ईश्वर में मिलाओ, उस समय का जो स्नान है वो गंगा स्नान, पूर्णिमा का गंगा स्नान। ये वेद प्रकाश जी पारेख जयपुर, प्रणाम भैया जी। मेरा ध्यान में मन कम ही लगता है, तो ये तो अभी बात कर ही रहे थे हम, और कभी कभी ध्यान के समय चक्कर आने लगते हैं और सरदर्द भी होता है। ध्यान के समय प्रकाश स्वरूप देखूं समझ नहीं आता, तो कभी पापा जी, कभी मम्मी जी, कभी अमित भैया ध्यान में आते हैं, कंफ्यूज हो जाता हूँ कि गुरु किसको नियत करूँ। तो जब चक्कर आना और सरदर्द होना ठीक नहीं है, तो जब ऐसा हो तो इसीलिए हमारे यहाँ गुरु महाराज ने मतलब कोई मंत्र दे के हमको नहीं छोड़ दिया कि अब आगे का काम तुम अपने आप करो। गुरु महाराज ने हमको अपने साथ एक परिवार में बांध के रखा है और समय समय पर जब हमें ज़रूरत होती है तो प्रार्थना करके उनको याद करने मात्र से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो जब ऐसा कुछ होने लगे कि चक्कर आ रहे हैं या सरदर्द हो रहा है, तो जैसे परम पूज्य छोटे भैया पापा जी ने चिंतन पे जोर दिया है, तो अगर ध्यान
छोड़ के कुछ दिन के लिए सिर्फ चिंतन करें, क्योंकि चिंतन थोड़ा हल्का रहता है और उसका ध्यान तो कुछ मिनटों के लिए किया जाता है, चिंतन काफ़ी देर भी किया जा सकता है और वो हल्का भी रहता है, तो उसका असर भी उतना ही होता है। तो मैं तो यही कहूँगा चिंतन पे जोर दें। और इस सवाल का तो जवाब दिया ही जा चुका है कि हमें यहाँ पे जो परमात्म तत्व है उससे हमें जुड़ना है और शरीर से ऊपर उठना है। जहाँ से भी आप चलेंगे पहुँचेंगे वहीं, तो इसलिए अपने आप को कंफ्यूज ना करें और मन के दबोचे से निकलने की बात है तो मन जो कंफ्यूज कर रहा है उस पर थोड़ा गाइडेंस लेके से आगे बढ़ें। नेहा सिन्हा, बहुत प्रयास के बाद भी ध्यान नहीं होता, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और कई तरह की बातें दिमाग में आती हैं। यहाँ भंडारे में आने के बाद भी कुछ अच्छी खबर नहीं मिलती पर विश्वास क्यों डगमगाता है और जीने की इच्छा भी कम हो रही है? तो ये सब हमारे मन के झमेले हैं। हम जब तक सांसारिक चीज़ों की ओर हमारा मन लगा रहेगा तब तक ये चीज़ें हमें परेशान करती रहेंगी। एक तरह से देखा जाए तो जीवन का नाम ही परेशानी है, परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। तो जितनी देर हम उस सच्चिदानंद स्वरूप में लय हो सकें, उस परमात्म तत्व में अपने आप को उसकी तरफ हमारी तवज्जे भी हो जाती है, गुरु महाराज की तरफ तवज्जे हो जाने भर से ये चीज़ पीछे रह जाती है, लेकिन मन फिर भी जो है वो अपनी चाल छोड़ता नहीं है। तो ये सब बातें मन की वजह से ही हैं। तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि अपने प्रेम से हमें अपनी तरफ आकर्षित करते रहें और हम इन सब चीज़ों को भूल के आपके चरणों की ओर ही देखते रहें। महेश राउत, तो इनके चार प्रश्न हैं। तो क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म के समय से ही जीवन का प्रोजेक्शन पूर्व नियोजित होता है? संचित बुरे कर्मों का फल और बुरे संस्कारों का एवं अपने अंदर बुरी प्रवृत्तियों और अवगुणों का क्षय या नाश का उपाय क्या है? मौन रहने का उपाय क्या है? मन का निग्रह या चित्त निरोध की अवस्था में कितने समय तक ध्यान लगाना चाहिए? जे संचित बुरे कर्मों का फल और बुरे संस्कारों का और अपने अंदर की बुरी प्रवृत्तियों और अवगुणों का क्षय, इसका उपाय गुरु महाराज का ध्यान और चिंतन ही है और यही मौन रहने का भी उपाय है। जैसे आज सुबह ही बताया था कि इसमें ध्यान में भी उन्होंने तीन अवस्था बताई थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। कि जागृत में तो हमें अपने आसपास के वातावरण का भी ख्याल चलता रहता है, फिर स्वप्न में हमारे जो संचित कर्म हैं ये हमारी आँखों के सामने आते रहते हैं, हमने उसके साथ ऐसा किया और उसने हमारे साथ ऐसा किया, फिर
फिर दोनों जब खत्म हो जाते हैं तब वो सुषुप्ति की और गहरी ध्यान की अवस्था आती है, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को मन का मौन कहते हैं। और ये लिखा है कि मन की निग्रह या चित्त निरोध की अवस्था में कितने समय का ध्यान लगना चाहिए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो आप मतलब अपने समय से तो लगा नहीं सकते। अब समाधि किसकी कितनी देर चलेगी ये तो अभ्यास के ऊपर ही निर्भर करता है। हाँ सर में दर्द नहीं, जैसे यहाँ ब्रह्मरंधा से भौरों की आवाज़ और सिटी की आवाज़ होने लगती है, या कभी कभी हीट से दर्द होने लगती है, तो ऑटोमेटिक है कुछ समय ध्यान। हाँ जो गुरु महाराज ने इसीलिए पहले तो 30 से 45 मिनट तक ध्यान किया जाता था, अब तो और कम हो गया है और अपनी क्षमता से ज़्यादा, तो इसको गुरु महाराज ने लिखा है कि धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एकदम ज़्यादा करने से परेशानी भी होती है और खुश्की वगैरह बढ़ जाती है, तो 15-20 मिनट से शुरू करके उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन 45 मिनट एक घंटा से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोड़ो चिंतन शब्द जो है ये माने क्या परिभाषा है, कैसे चिंतन होगा, क्या चिंतन माने ध्यान तो बताया जाता है कि ध्यान ऐसे करना चाहिए, चिंतन क्या है इसके बारे में तो आप चिंता के बारे में क्या कहेंगे? चिंता, चिंता हुआ एंजाइटी है माने चिंता मतलब कि कोई आगे कुछ खराब होगा उसकी चिंता नहीं, एक विचार है ना आपको हमेशा लगा रहता है उसको चिंता कहते हैं, एक विचार कि ये ऐसा होने वाला है या ऐसा नहीं हो, एक विचार, तो वो विचार अगर गुरु का है तो चिंतन हो गया। तो हम सब लोग चिंता के बारे में तो जानते ही हैं, तो चिंता हमें कई किसी न किसी चीज़ की लगी रहती है, तो चिंता जो है वो सांसारिक है और अपनी परेशानियाँ और तरह तरह की चिंताएं, जो हो गया उसकी चिंता, जो नहीं हुआ उसकी चिंता, तो चिंतन जो है वो गुरु का अगर हम उसी तरीके से करें जिस तरीके से हम चिंता करते हैं तो चिंतन हो गया क्यों नहीं? ये ना सुबह बताया था ना कि जैसे एक बाबू है फाइल जांच रहा है और मुंह में पान दबा हुआ है, पान का भी रस आ रहा है और वो फाइल का भी काम कर रहा है, गुणा भाग भी कर रहा है, तो दो काम हो रहे हैं। ऐसे ही आप है ना, जो भी दुनिया के काम कर रहे हैं उसमें गुरु महाराज को अपने पास में बैठा मान के वो काम करने। लोग अक्सर चिंतन या ध्यान को ऐसा समझते हैं कि हमें कुछ करना है, हम कर्ता बनकर कुछ करना चाहते हैं, जो सहज और स्वतः होने वाली चीज़ है उसमें जितना हम प्रयास करेंगे उतना उससे अलग हटेंगे। जैसे निंद्रा का प्रयास करने से निंद्रा आएगी, क्योंकि हम ये सोचते रहें कि निंद्रा आ रही है नहीं आ रही है, और जब आई तो वो स्वतः आ गई। तो ऐसे ही ध्यान थोड़ा कंसंट्रेटेड यानी थोड़ा डीप है, जिसमें हम बैठ के जैसे हमें क्रिया गुरु महाराज ने बताई हम ध्यान करते हैं, लेकिन चिंतन ऐसी चीज़ है जो हम निरंतर सिर्फ अपनी तवज्जो यानी अटेंशन जो है उस तरफ कर दें
और बस बाकी सब काम करते चलें, ये चिंतन हो गया। तो अगर हमारा बैकग्राउंड में हमारा मन ऐसा है कि जो भी काम हो रहा हो लेकिन मन कहीं इधर उधर घूमता रहता है, तो वो इधर उधर घूमने की बजाय अगर उनकी तरफ तवज्जो हमारी रहे तो वो चिंतन हो गया। तो प्रवीण कुमार जिन्हारा, तो पूजा में निरंतरता नहीं बन पाती, क्या करें कि निरंतरता बनी रहे? अनन्य भाव भी नहीं बनता, इसके लिए भी कोई उपाय बतलाएं। गुरु महाराज ने साधना में 12 व्याधि बताई हैं, संशय, आलस, प्रमाद, अवनति। तो ये जो आलस है कि हमें पहले तो संशय हो जाता है कि गुरु जो मैंने किया है या साधना जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, उसमें जब संशय होगा तो आप ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही जब आप आलस करेंगे कि आपको विश्वास तो हो गया लेकिन है ना कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो ये समय से करने के लिए निरंतरता बनाने के लिए ये आलस को छोड़ना ही पड़ेगा। मंजू रस्तोगी जी इटावा, गुरु महाराज का जब हम ध्यान करते हैं तो 30 मिनट बैठते तो हैं, मन भी लगता है, बैठने में शांति भी मिलती है, लेकिन प्रकाश थोड़ी ही देर के लिए आता है, ऐसी फिर समझ में प्रकाश नहीं आता कि पूजा सही हो रही है या गलत। तो अगर मन लग रहा है, शांति मिल रही है, तो फिर और किसी चीज़ में अटकने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु महाराज ने यही कहा है कि अपना कर्तव्य समझकर हम बैठ जाएं और बाकी काम हमारा है। तो अब अगर प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि स्थितियां जैसे अभी सुन रहे थे कि स्थितियां बदलती रहती हैं, और समय ऐसा भी आता है जब मन भी नहीं लगता, शांति भी नहीं उतनी मिलती जितनी पहले मिल रही थी, तो ऐसे में ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए, अपना कोशिश में लगे रहना चाहिए, और जैसे स्थितियां बदलती हैं वैसे बदलती रहें। इसके लिए किसी ने कहा है कि ये स्थिति भी बदल जाएगी, तो अच्छी है तो वो भी कभी बुरी हो जाती है, बुरी है वो भी अच्छी हो जाती है, बदलती रहती। मैं अपना प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गुरु के लिए कौन सा मंत्र उचित है जिससे ध्यान किया जाए? तो मंत्र की क्या जरूरत है? जरूरत है जब भी, तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं तो ये आपको किसने बताया कि मंत्र की? ये मेरे मन ने ही बताया। तो एक टाइम था जब दादा गुरु महाराज मंत्र जाप वगैरह साधकों से करवाया करते थे, लेकिन फिर गुरु महाराज ने उसको हटा के ये ध्यान की क्रिया जो हम लोग करते हैं वही बतलाई। और परम पूज्य छोटे भैया पापा जी ने चिंतन पे भी जोर दिया। वैसे कोई बुराई नहीं है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए मंत्र काम करता है और तरह तरह के मंत्र। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कौन सा मंत्र काम करता है। अब ये तो कहीं और ही जाके पूछना पड़ेगा आपको, हमें तो उसका एक्सपीरियंस है नहीं। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है जमुई से खेमन शाह जी का, कि ध्यान के समय मैं सो जाता हूँ और इसके बारे में जानना चाहता हूँ।
अब हम हंसते हैं लेकिन अक्सर खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं है? तो मैं वहाँ एक YouTube पे किसी वो मेडिटेशन टीचर का वो देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो ध्यान है वो चैतन्य है। ध्यान में हम सो नहीं रहे हैं, हम जाग रहे हैं। ध्यान जगाने वाली चीज़ है। तो अगर हमको, क्योंकि होता क्या है कि दोनों चीज़ों का, यानी सोने का और ध्यान का, दोनों का असर क्या है कि हमारी सांस भी थोड़ी ठीक चलने लगती है, हम रिफ़्रेश भी होने लगते हैं एकदम। तो जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हम थोड़ा शांत होते हैं, काम डाउन होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो जब हम रिलैक्स होते हैं तो अक्सर फिर नींद आ जाती है। तो नींद को तामसिक ही कहा है, सात्विक नींद का। तो ध्यान जो है वो जागने की क्रिया है, सोने की नहीं। तो अगर आप ध्यान करते करते सो जाते हैं, तो मेरे को एक्चुअली खुद ये लगता है कि जैसे तपते हुए सूर्य से एक छांव में आ गए और सो गए तो शांति मिली, तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मतलब कई घंटों की नींद से अच्छा 15-20 मिनट का ध्यान। कई संत महात्मा हुए जो सिर्फ थोड़े देर ध्यान करके उनका काफ़ी जो निद्रा का समय जो है वो उसमें पूरा हो जाता था। तो लेकिन ये बात बहुत समझने की है कि हम अगर सो रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही हमें लगे कि हम उस तरफ जा रहे हैं तो वापस तो चैतन्य रूप से, मेडिटेशन इज़ टू बी अवेक। तो जगदीश प्रसाद जी अर्डावता, प्रणाम। मैं सत्संग में कई सालों से आ रहा हूँ, मेरा लड़का आर्मी में जॉब में है, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता, कभी उसको गुस्सा आता है, कभी सही हो जाता है, डॉक्टरों को भी दिखा लिया, आराम नहीं है, क्या सॉल्यूशन है, क्या करूँ? तो डॉक्टरों को दिखाना तो हमारा कर्तव्य है ही, और बाकी हम सबको गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम किसी का बिहेवियर ऐसा देखें या हम किसी की सहायता करना चाहें, तो जब हम ध्यान में बैठें तो उनको अपने पास बैठा लें और ऐसा देखें कि जो फैज़, जो प्रकाश हमारे अंतर में आ रहा है वो उनको भी मिल रहा है, और उसका असर धीरे धीरे ज़रूर होगा। तो बाकी क्वेश्चन जो आंसर नहीं हो सके हैं उसके लिए ये वॉलंटियर्स जो इधर टेबल पे बैठे हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले लें। तो हर संडे को ये शंका समाधान का कार्यक्रम फ़ोन पे रहेगा, और बाकी जो क्वेश्चन अभी जवाब नहीं
हो सका है। और मैं शंका समाधान की बजाय मैं तो यही समझता हूँ कि ये बातचीत का एक ज़रिया है आपस में, उसको हम जारी रखें। अच्छा, परिवार का बात है, झूठ बोलना, चोरी करना, दलाली करना, अपने चोरी करे दूसरे को लगावे, इसका क्या समाधान है साहब? बस इतना, और कोनो भी प्रश्न तो है नहीं समाधान के लिए। और नेगेटिव पॉइंट का ज़्यादा प्रयोग करता है, पॉजिटिव पॉइंट जो है सकारात्मक रूप नहीं अपनाता है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या समाधान है वो हम जानना चाहते हैं। और तो गुरु महाराज ने कहा है कि मेहनत की कमाई खानी है, चोरी की, दूसरे के दान की, ये सब आप खाएंगे तो फिर इसमें उन्नति नहीं होगी। तो ये मैं आध्यात्मिक विषय मीमांसा के दो खंड गुरु महाराज ने अपने हाथों से लिखे हैं, उसमें एक प्रश्न पढ़ रहा था, तो वो प्रश्न कुछ और था, मगर उसमें ये बात दिखाई थी कि आजकल नकारात्मक सोच जो है, नेगेटिव सोच, वो कम नहीं हो रही है, वो तो बढ़ती ही चली जा रही है, और वो किसी एक परिवार की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। अब वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि दो तो सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, ये ऐसे ही हैं जैसे संसार और परमार्थ। तो जो नेगेटिव सोच है वो हमें नीचे की तरफ ले जा रही है, संसार की तरफ, अधोगति, और जो पॉजिटिव एनर्जी है तो हम यहाँ आते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक मीटर लगा दें कि यहाँ सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव एनर्जी का कितना मेजरमेंट है, है? तो अगर हमारा एक है तो यहाँ पे एकदम बढ़ के वो 100 हो जाता है, तो इसलिए इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है, हम सब कुछ जैसे बेखुदी सी छा जाती है, और वो सब चीज़ें जिनमें हम फंसे हुए थे वो कुछ थोड़ी देर के लिए पीछे से छूट जाती है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है तो ध्यान में हम उसी को अपने अंतर में लेके उससे एक हो रहे हैं, और वही एक तरीका है कि इस नकारात्मक सोच को पीछे करने का। अब लेकिन क्या होता है कि अब सारे घर के सदस्य तो ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो उसका मैं ये कहता हूँ कि घर में कितने लोग कमाते हैं? एक कमाता है, बाकी सब खाते हैं, तो आप ही सबके लिए कमाएं, आप ही इतने सकारात्मक हो जाएं कि उसका असर बाकी सब पे हो, जैसे गुरु महाराज ने किया। वो उनका जो शक्ति है उसी से ये सारा परिवार चल रहा है। बस ऐसे ही उन जैसे बनना हमारा काम है, तभी संसार में सकारात्मक सोच।